मैं हारा क्या? सपोर्ट भी तो नहीं, नहीं, मैं हारा क्या? नहीं, आपका टीवी 9 की बहुत ही बदतमीजी की न्यूज थी आपकी। टीवी 9 को अगर चमचागिरी करना रूलिंग पार्टी की तो चमचागिरी करो, मगर हर बार हमारे खंधे पे रख के अपनी मुनाफिकत दिखाने के लिए मत करो। टीवी 9 को जिम्मेदारी से न्यूज डालना चाहिए, तो क्या बुरी बात है, लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे तो वह जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। सर, आप चाहते हैं कि ये गठबंधन जो बिहार में हुआ, यूपी में भी वही आगे? देखिए, सही बात तो ये है कि हमारा पहला अलायंस हुआ देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से, समाजवादी जनता दल से, और उससे पहले कुशवाहा साहब बीएसपी से अलायंस कर चुके थे राजभर साहब के साथ, हम लोग बाद में गए। तो ये बिहार के इलेक्शन के हद तक हुआ है, यूपी में क्या होगा मैं अभी कैसे बताऊंगा आपको, मैं भी कैसे बताऊंगा आपको। सर, तेलंगाना में टीआरएस पार्टी बहुत बुरी तरह हारी है, कहीं खतरे तो घंटी नहीं है सर आने वाले दिनों में? बुरी तरह कहां हारी, कहां बुरी तरह? 1000 वोट से हारे, 1100 वोट से हारे, रेजर थिन था वो, कोई बात नहीं। बीजेपी तो दस्तक नहीं दे रही सर, हाँ हाँ, बीजेपी तो दस्तक नहीं दे रही। अब बहुत लोग दस्तक देने से क्या होता, जब घनघरज होंगी तो दस्तक बुझ जाती ना, उसमें दस्तक देते, बहुत से लोग दस्तक दे रहे, 50 साल से दस्तक दे रहे, क्या होता उससे, देना चाहिए, कोई बात नहीं। सर, आपके घर तेलंगाना में बीजेपी की तादाद बढ़ रही है, 4 सीटें एमपी की जीती, ये एक हाल ही में आज का जो रिजल्ट है, और आप बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अपने राज्य में आप कमजोर हो रहे हैं? मैं हारा क्या? सपोर्ट भी तो नहीं मैं हारा क्या? नहीं, आपका टीवी 9 की बहुत ही बदतमीजी की न्यूज थी आपकी। टीवी 9 को अगर चमचागिरी करना रूलिंग पार्टी की तो चमचागिरी करो, मगर हर बार हमारे खंधे पे रख के अपनी मुनाफिकत दिखाने के लिए मत करो। टीवी 9 को जिम्मेदारी से न्यूज डालना चाहिए। किसी का गुस्सा आप मेरे पे क्यों निकाल रहे भाई? हारे आप, जीते आप, नहीं आप क्या करे, अरे मेरा मेरे से क्या ताल्लुक भाई? नहीं, ओवैसी बिहार में चले गए, आपको क्या मालूम मैं क्या कर क्या रहा क्या नहीं करा? तो ये जो है ना, ये बस तलवे चाटने की जो पॉलिसी है वो मत करो प्लीज। सवाल करो, बोलता हूं मैं, मेरा ताल्लुक भी नहीं उससे, मेरे को मालूम तक भी नहीं। आप न्यूज चला दिए, क्या बोलते, नहीं गवर्नमेंट के पास केसीआर के पास नंबर बढ़ जाना, ऐसा नंबर बढ़ाना है तो करो, हमारा ही खंधा मिला ना आपको, मजबूत खंधा है, कमजोर खंधे पे तो खड़े हो तो गिर जाते आप, नो प्रॉब्लम। सर, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि आपको यूज करके बीजेपी, हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी तुम जानो, जान लो इस बात को कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलने वाला है। अभी हर हर आप हार रहे, कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे हो तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आ गए आ गए आ गए। अरे 70 सीट दी है ना, क्या किया आपने वो तो बता दो, क्या क्या मैंने मैं आपको एक वाकया शेयर कर रहा हूं। जब ये आखिरी दिन का कैंपेन खत्म हुआ 5 तारीख को, तो मेरी मीटिंग थी कोचादामन में, मैं कोचादामन से मीटिंग खत्म करके जा रहा था। तो इस हमारी विक्ट्री में बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा रोल महिलाओं का रहा। मैं अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक मीटिंग्स किया हूं, मगर एक एक पब्लिक मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में महिला आते थे कि गैर मामूली, और यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनका बड़ा बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं लास्ट मीटिंग करके जा रहा था तो मेरे को उन महिलाओं ने रोका कि सेल्फी लेना है, बोले बराबर लीजिए, और मैं भी चाह रहा था कि सेल्फी लिए। उसके बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि वैसी तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, इनको 7 तारीख को हम बताएंगे, और तुम देखना जब वो डब्बा खुलेगा इसका जवाब हम दे देंगे, देख लीजिए आप। बागडोरा एयरपोर्ट पर मैं गया, मेरे को रोककर वहां पे महिलाओं ने कहा
कि हम दिल्ली जा रहे हैं, मगर वापिस आएंगे, बड़ा अनाप शाप तुम्हारे बारे में इन्होंने कहा है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी, कुदरत जवाब देगी, मेरी मौत मेरे को रोक सकती। ये क्या बात है, आप जो यानी कोई बात है बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आया बोलते हैं, कुछ तो रुकना चाहिए ना। तो ये गठबंधन का जो फॉर्मूला है, बिहार में बहुत अच्छा काम किया, बंगाल में भी इस तरह की संभावनाएं तलाशने के लिए क्या आप कोशिश करेंगे, और कौन कौन से ऐसे पार्टी आप समझते हैं जो आपकी विचारधारा से मेल खाती हैं और जिनसे कुछ। तिवारी साहब, ऐसा लगता है कि इसको हाथ लगाओ तो 550 केवी का शॉट लग जाएगा। हम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा काम कोशिश करना है, लड़ना हमारा काम है, देखेंगे आगे क्या होता है। अरे भाई, इलेक्शन जीतने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक उसूल है उसको अपनाएंगे। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नैक और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम मनोरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीज की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर रब्ता करें।